यह है क्षेत्र चुंबक, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यह क्षेत्र चुंबक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह क्षेत्र चुंबक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यही शुरू है, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यदि निम्न चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, यदि निम्न चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, यदि निम्न चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, तो स्थायी चुंबक, यदि निम्न चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना होता है तो स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रबल चुंबक के क्षेत्र के लिए, प्रबल चुंबक के क्षेत्र के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा डाल देंगे आर्मेचर। दरअसल हम ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उसकी रचना पढ़ रहे हैं, और रचना के चार भाग हैं। ये दूसरा भाग है आर्मेचर कुंडली। याद रखना एक बात, जो रचना हमने बनाई है रियल में, जनरेटर वगैरह जो तुम देखोगे उससे बिल्कुल ही हटके होगा, दूर दूर तक कोई मैचिंग नहीं होगी। तुम्हारा चित्र कुछ और होता है और जनरेटर देखने में कुछ और होता है, तो रियल में ऐसा जनरेटर नहीं होता है कभी, तुम देखो। और बहुत सारे लोगों के दिमाग से बहम निकाल दूं मैं कि जिसने अब तक जनरेटर देखा है ना, तो वो इंजन देखा है। इंजन के आगे जो वो छोटा सा डब्बा लगा होता है ना, हम वो पढ़ लें ना कि पूरा इंजन पढ़ लें। इंजन वो किसी भी काम में आ सकता है, वो नॉर्मल इंजन है। इंजन के आगे एक अल्टरनेटर रखा होता है छोटा सा, वो जनरेटर पढ़ लें हम, वो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। कभी कोई पूरा ही इंजन समेत जनरेटर समझे, ऐसा नहीं होता है। तो आर्मेचर इसमें लेंगे, यह है नर्म लोहे, यह नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटी, नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटी मत लिखना, यह नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी, यह नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी, तांबे के विद्युत रोधी तारों के, तांबे के विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरे लपेट कर, विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरे लपेट कर अनेक फेरे लपेट कर बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। यह है आर्मेचर कुंडली, यह आर्मेचर कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है, यह आर्मेचर कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है, चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है। बीच घूमती है नंबर नेक्स्ट, दूसरा आइटम डाल देंगे तीसरा, मतलब सर्पी बल है, सर्पी बल है तीसरा आइटम, सर्पी बल का मतलब होता है ये दो बैरिंग होते हैं तुम्हारे, इसमें लेंगे, ये है दो रिंग आर वन बाय आर टू होते हैं, यह है दो रिंग आर वन बाय आर टू होते हैं, दो रिंग रिंग दो रिंग आर वन बाय आर टू
होते हैं जिन पर आर्मेचर कुंडली के धुरे टिके होते हैं। शाफ्ट होती है जो बैरिंगों पर फंसी होती है उसके अंदर। अरे बैरिंगों से तो घूमती है यार, कोई कुंडली देखी ना तुमने कैसे घूमती है? कोई भी टिकी होती है, ठीक है अभी चलो तो जिन पर धुरे टिके होते हैं। यह सर पी बल है, मुझे तो कुछ ना पता मैंने क्या बोला है। आर्मेचर कुंडली, जिन पर आर्मेचर कुंडली के धुरे टिके होते हैं, हो गया। यह सर्पी बल है कुंडली को साधने का कार्य करते हैं। साधने, अजीब अजीब शब्द आ रहे हैं तुम लोगों के सामने। साधने का कार्य करते हैं। साधने का कार्य का मतलब यह है, कुंडली आड़ी टेढ़ी नहीं भागती है, एक बार जहां चल रही है तो वो वहीं घूमती रहेगी। हाँ, बैरिंग ऑफ देते हैं, कहते ना पंखे में चिक आ गई है, चिक आने का मतलब क्या, ढीले ढाले हो जाते हैं तो फिर वो सदोवी कुंडली नहीं चलती है, फिर वो ढीले ढाले चलती है। लिखो जी नंबर नेक्स्ट लास्ट डाल देंगे, ब्रूस। हाँ ब्रूस डालेंगे, ब्रूस। हाँ बैरिंग ही होते हैं यार, बल्लेज होते हैं। लिखो भाई समझ रहा, बोलो मत यार बोलो। ब्रूस में लिख रहे हैं, यह कार्बन के अर्धवृत्ताकार बलय होते हैं। यह कार्बन के अर्धवृत्ताकार बलय होते हैं जो सर्पी बलय से लगातार स्पर्श करते रहते हैं। इनके द्वारा जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा निर्गत होती है। हैंड डाल देंगे क्रिया विधि। सब अलग अलग आता है। सर्वप्रथम जब कुंडली को घुमाया जाता है, तो बना हुआ है तुम्हारा कल का। सर्वप्रथम जब कुंडली को घुमाया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है।
प्रवाहित होने लगती है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। देखो, प्रेरित धारा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कुछ दूसरा होता है। फिलहाल तुम इतना याद रखना कि जो मुख्य धारा होती है ना, उसके विपरीत दिशा में होती है, ऐसे याद रखना बस। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है हो गया यहाँ तक? फुल स्टॉप लगा लिखेंगे माना। हाँ, उसमें लिखते रहो, क्रिया विधि चल रही है। देखो इधर 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 सुन लो, एक मिनट इधर देखना था। दरअसल कभी भी कोई, जब ये जनरेटर घूम रहा हो ना, तो कोई ये ना सोचे कि धारा किसी तार में ऐसे जा रही होती है। ऐसे नहीं जा रही होती, धारा ऐसे जा रही होती है, समझिए, इस तरीके से जा रही होती है। ये कौन भिनभिनाया जा रहा है यार, चुपके से बैठ रहे हो, जो भी है। जब ये वाली पोजिशन कब होती है, जब कुंडली का ए बी सिरा जो, जैसे हम बामा भारत घुमा रहे हैं, ऐसा घुमाएंगे इसे, बामा भारत ऐसा होगा, दक्षिण भारत ऐसा होता, तो हम इसे ऐसा घुमा रहे हैं। जब ऐसा घुमा रहे तो ये वाला सिरा ऊपर की ओर जाएगा, सी डी सिरा जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो धारा की दिशा जो होती है ना, वो बी वन आर एल बी टू होती है। धारा की दिशा हो जाती है बी वन आर एल, आर एल होता है लोड प्रतिरोध, और ये बी टू इस दिशा में प्रवाहित होती है। अगला ही आधा चक्कर जब हो जाता है, मतलब आधा चक्कर जब हो जाता है, तो सी डी सिरा इधर हो जाएगा और ए बी सिरा नीचे हो जाएगा। तो पहले ए बी सिरा कैसे जा रहा था, ए बी सिरा ऊपर की ओर जा रहा था, पहले सी डी नीचे की ओर जा रहा था। अगली बार में क्या हो जाएगा, सी डी ऊपर की ओर जाएगा, ए बी नीचे की ओर जाएगा, तो इसका विपरीत चक्र हो जाएगा, धारा की दिशा बदल जाएगी और अब ये वाली कंडीशन आएगी। धारा जो है, फिर धारा की दिशा हो जाएगी बी टू आर एल बी वन मार्ग से प्रवाहित होगी। इस प्रकार आधे चक्र में धारा एक दिशा में और आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती रहती है, और यही क्रम इसमें चलता रहता है। तो धारा जो होती है प्लस माइनस के रूप में चलती है, लेकिन क्रिया इतनी तेज होती है कि हमें नॉर्मल आंखों से जो है ये क्रिया दिखाई नहीं देती। अगर कोई बल्ब है या कोई पंखा है या कोई भी चीज़ है, वो लगातार हमें चलता हुआ या जलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए, क्योंकि क्रिया एक सेकंड में 50 बार हो रही होती है। तो दृष्टि निर्बंधता के कारण हमारे रेटिना पर एक प्रतिबिंब मिटता नहीं है, दूसरा बन जाता है, इसलिए वो हमें लगातार जलता हुआ दिखाई देता है बल्ब कोई भी होता है, जबकि वो 50 बार जल रहा होता है, 50 बार बुझ रहा होता है एक चक्कर में। यही बात हम लिख रहे हैं इसमें। हाँ जी, जनरेटर उल्टा भी चल जाता है, किसकी है? अबे तो जी उधर कौन बोल गया? हाँ, मैन लाइट को बंद कर दें, मैन लाइट बंद कर देते हैं क्या? अब मरवाओगे क्या? इधर से भी लाइट भेज रहे, उधर से भी लाइट आ रही है, फटवाओगे क्या जनरेटर? जनरेटर वो ज़्यादा प्रबल होती है, जनरेटर फूक जाएगा, सैरल टपल जनरेटर में आग लग जाएगी। अरे यार सुनो उधर, अरे 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 देखो भाई, अगर जनरेटर कभी उल्टा स्टार्ट हो जाता ना, तो धारा तो फिर भी प्रवाहित होगी, लेकिन कितनी स्पीड से, कितनी तीव्रता से वो प्रवाहित होगी ये नहीं पता। हो सकता है जितनी भी जो चीज़ें लगी हों वो सब फूक जाएं, क्योंकि चक्र जो है ना वो विपरीत दिशा में चलेगा, तो जो बल्ब जलना चाहिए था वो विपरीत दिशा में क्रिया करें और वो बल्ब फ्यूज हो जाए या फट जाए, समझ गए? या हो सकता है सारी चीज़ें ही फट जाएँ, ये सब चीज़ होती है। तो उल्टी क्रिया होने पर ऐसा समझ लो कि नॉर्मली आदमी खाना खा रहा है, अगर हम पेट में से खाना निकालने की कोशिश करें तो निकल तो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत होगा, तो वो चीज हो रही है। अरे अब लिख भी लो यार, ओ कहाँ बैठो बे यार, वो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ भैया, अब बाकी दांत फाड़ेंगे। इसमें लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। माना कुंडली बामावर्त घूमती है, लाइन छोड़ दो जिस आवाज ना आई हो,
माना कुंडली वामवर्त घूमती है, जिस कारण कुंडली का ए बी सिरा ऊपर की ओर, जिस कारण कुंडली का ए बी सिरा ऊपर की ओर तथा सी डी सिरा नीचे की ओर, जिस कारण कुंडली का ए बी सिरा ऊपर की ओर तथा सी डी सिरा नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करता है, गति करता है, जिससे जनित्र से धारा ये इधर B1 RL B2 मार्ग द्वारा सी कर दिया। ब्रूस होते हैं ना, तो ब्रूस तो बी से बनते हैं यार, यहाँ सी किया है तो बी कर लो इसे, क्योंकि ये B4 ब्रूस होता है, वैसे C4 कार्बन के ब्रूस भी हो सकते हैं, लेकिन B4 ब्रूस कर लो, जिससे मुझे कार्बन से याद आ रहा होगा, लिख लो यार, जैसे कुंडली से ये जनित्र से धारा B1 RL B2 मार्ग द्वारा निर्गत होती है, हाँ किस मार्ग द्वारा निर्गत होती है, मार्ग द्वारा निर्गत होती है B1 RL B2 मार्ग द्वारा निर्गत होती है शेष अर्ध चक्र में, पृष्ठ लाग लिखो, शेष अर्धचक्र में, शेष अर्धचक्र में कुंडली का CD सिरा, कुंडली का CD सिरा ऊपर की ओर, कुंडली का CD सिरा ऊपर की ओर तथा AB सिरा नीचे की ओर गति करता है, तथा AB सिरा नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण जनित्र से धारा, B2 RL B1 मार्ग द्वारा निर्गत होती है, B2 RL B1 मार्ग द्वारा निर्गत होती है, निर्गत होती है यदि पृष्ठ भाग लिखो, यदि कुंडली में N फेरे हैं, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं, कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं, तब फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर -K d phi / dt, चूंकि फाई बराबर जो होता है ना, तो वो NBA कोस थीटा होता है, इसलिए एप्सिलॉन बराबर -K NBA कोस थीटा की जगह ना ओमेगा टी हो जाता है, देखो -K NBA डी कोस ओमेगा / dt NBA कोस की जगह हो जाएगा साइन माइनस में ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी,
क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, इसलिए हम ये वाली वैल्यू भी लगा सकते हैं एन बी ए 2 पाई f साइन 2 पाई ft, इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इतना यही प्रत्यावर्ती जनित्र से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इतना उतार देंगे, इसके बाद लिखेंगे इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग ट्रांसफार्मर। ये 3 नंबर में सारी चीजें एक साथ नहीं आती हैं। हाँ जी आती ना, तो कौन कहना नहीं आता यार। ट्रांसफॉर्मर जनरेटर दिखा दें। अरे सुनो सर यार, मैं कहाँ दिखाऊँ, हर कोने पे तो मौवागढ़ में जनरेटर रखा है, हैं? और तुम वैसे देखना चाह रहे हो, रियल में जाके देख लो जनरेटर कहाँ ना रखा ये बताओ। कुंडली सर, जितने भी पंखे वाले मैकेनिक है ना, सबके पास 20-20, 30-30 कुंडली फुका भी पड़ी होंगी पहले ही। हाँ जी संधारित्र क्या नाम है, कैपेसिटर। हाँ कैपेसिटर किसमें, अच्छा 3 फेज की मोटर है। देखो सर, दरअसल संधारित्र का काम क्या, पहला वो देखो, संधारित्र का काम होता है कि जो बीच में चक्र टूट रहा है ना, वो जो धारा प्लस माइनस हो रही है उसे रोकना होता है, कि वो पानी बूंद बूंद करके गिर रहा था, हमने रास्ते में एक बीच में बाल्टी लगा दी, वो बूंद बूंद करके उसमें इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से नलकी से लगातार मिल रहा है, तो कैपेसिटर एक बाल्टी हो गया कि उसमें बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से लगातार सप्लाई जा रही है। अब 3 फेज में क्या होता है कि जो सप्लाई टूट रही है वो 3रा फेज पूरी कर देता है, समझ गए, जो लाइट बीच में टूट रही होती है वो 3रा फेज पूरा कर देता, तो वो इसलिए होता नहीं है, जरूरत नहीं होती है, हो सकता कहीं लगता हो लेकिन इसलिए जरूरत नहीं है इसकी। अरे बे ओ चुप जाओ भाई। हाँ जी पंखा चलने के बाद उसे हटा लें, पंखा चलने के बाद वो तो लगातार करता रहता है, ऐसे तो ना रोक देगा, पंखा रुक जाएगा वही, दरअसल नहीं चलेगा वो। अरे यार बे ओ चुप जाओ यार, वो किसी और वजह से भले से चलता रहता हो, ऐसा अगर जो कोई सिर्फ लगा के चलाता रहे तो ऐसे चलते ही रहेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। देखो भाई फिजिक्स के हिसाब से तो ये तरीका है कि अगर तुमने कैपेसिटर हटा लिया तो पंखा ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, इस तरह ही चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, एक बार सीधे में एक बार विपरीत में, तो वो ऐसे या तो हिलता हुआ दिखाई देगा थोड़ा बहुत ऐसे, या रुका हुआ दिखाई देगा, ये साइंस कहती है। अगर वो एक बार घूम गया और तुमने कैपेसिटर हटा लिया तो वो किसी और वजह से भले से घूम रहा हो, लेकिन कैपेसिटर काम उसे घुमाने का था, लगातार धारा देने का। हाँ जी यहाँ तक हो गया, एंड डालेंगे ट्रांसफार्मर, इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा, देखो बहुत सारे लोग जो है ये बार बार मुझसे बोले जा रहे हैं कि ये चीज दिखाओ वो दिखाओ, दरअसल हम सब दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में, लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि कुछ 15-1 दिन जो हमारा सिलेबस जो वो और साल के हिसाब से पीछे चल रहा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि पहले हम उस लेवल पर आ जाएं, उस बॉर्डर पर पहुंच जाएं ना, उसके बाद
टेस्ट भी आराम से होते हैं, प्रैक्टिकल भी आराम से होते हैं, समझाए बहुत ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ पूछनी हो तो पूछो। लेकिन पहले हम एक दहली आवृत्ति प्राप्त कर लें, एक न्यूनतम आवृत्ति से पीछे चल रहे हम, समझ गए। वो मुझे साल के साल सिलेबस मुझे पता होता है कि किस टाइम हम कहाँ होने चाहिए, तो अभी थोड़ा सा पीछे हैं 8 या 10 दिन, वो कंट्रोल कर लें। चलो जी, अब जानकारी के लिए तो मैं बता दूं, ओए बीच वाले और ये पीछे वाले ज्यादातर बोलते रहते हैं कि भाई ये चीज दिखाओ वो दिखाओ, ये सब चीज दिखाई जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन दिखाया कब जाता है, जब रिवीजन चल रहा होता है, खाली टाइम है देखो सर, उसके टेंशन मतलब वो चल रहा है तो एक साल की गारंटी में जो हो भी जाएगा तो कोई बात ना। कुंडली कैसी होती है तो भी यार, क्या कुंडली में कितना टाइम लगेगा, पे चुप चुप बोलन तो उसकी आवाज आन दो यहां तक यार, बीच में बोले जा रहे हैं। कुंडली दिखाने में कितना टाइम लगेगा, सुनो सर टाइम दिखाने में कितना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये जो माहौल बनेगा ना और जो फिर बिगड़ जाएगा, फिर ये पढ़ाई का माहौल दोबारा नहीं बनेगा। एक बार ये चल गया ना तो फिर यही चलता रहता है, फिर नहीं होता, फिर तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो हमारा वो वाला मामला खराब हो जाता है। इतनी देर में देखो भाई सर, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, दिखा देंगे एक बार, मुझे डेटा स्टोर करने दो जरा। एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो लिखा था, जो या जिसके द्वारा एक ही बात है यार, लिखा जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कम या अधिक किए जा सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कम या अधिक किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत रुक जाओ एक मिनट जरा, अभी इसमें लिखेंगे सिद्धांत में लिखेंगे ट्रांसफार्मर। एक नंबर में बोर्ड में 2-3 बार आ चुका क्वेश्चन के ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, तो लिखोगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हेडिंग लिखेंगे रचना, क्या हो गया भाई, क्या हो गया,
रचना बनाओ जी। इसके यहां से देख लेता हूं। ट्रांसफार्मर के बाद में कुंडली बना दो। परिभाषा लिख लेना अपना स्थिति दोनों की। कल क्रिया विधि से आएंगी जो भी आएगी। परिभाषा अपना आप लिखना उच्चाएगी। वे ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक में अधिक होती है, ये तुम्हारे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह सदैव वोल्टेज को बढ़ाता है। इसकी उल्टी परिभाषा लिख लोगे।